देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हेन फाइव बोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ जीरो पॉइंट वन मीटर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज एट इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी पर मीटर क्यूब कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ ए वायर

टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड आपको ये भी गिवन है इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की वैल्यू गिवन है एन की वैल्यू कितनी है टू पावर ट्वेंटी एट ये आपको ये भी गिवन है ओके okay. और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखो अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो हम कैसे निकालते थे आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए और इस वाले केस में हमारे पास ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है हमें और एरिया हम आर से निकाल सकते हैं रेडियस उसकी वैल्यू भी पता नहीं है ठीक है तो यहाँ से तो नहीं लग रहा कि कुछ होगा और हमें और कौन सा रिलेशन पता है हमें पता है आई इक्वल टू किसके बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्योंकि देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है तो हम ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है ई एन ए वी डी क्लियर है ओके okay? ये चीजें वैल्यू आपको गिवन है बट आपको फिर करंट की वैल्यू गिवन नहीं है है ना और यहां पर कहीं आ भी नहीं रहा है आपके पास रेजिस्टिविटी तो हम क्या करेंगे देखो ऐसे ऐसे वाले केसेस में होते ही है इजी हैं आपको थोड़ा सा आ, मतलब इसमें सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला आप क्या यूज करें ठीक है देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है हमें फॉर्मूला पता है वी नो ओम्स लॉ से हमें पता है v किसको v को हम राइट डाउन कर सकते हैं v इक्वल टू आर आई ठीक है देखो यहां पे एक और थी पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है तो इट मीनस कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी यूज हो रहा है ठीक है तो v इक्वल टू आर आई आगे हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं v इक्वल टू आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो रो एल डिवाइडेड बाई ए और करंट की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो ई e, n a वी डी अब देखो इस वाले फॉर्मूले में a से a आपके पास कैंसिल हो गया ठीक है अब V इक्वल टू किसके आ गया रो एल ई एन वी डी ठीक है इसके बराबर आ गया देखो ये रो यहां ई की तरह लग रहा है रो है ये क्लियर है अब यहां से देखो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है रो की तो रो को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ रो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय ई एन वी डी और एल क्लियर हुआ यहां से ठीक है अब ध्यान से देखो तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है एल की वैल्यू भी गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है एन की वैल्यू गिवन है और ई e. E क्या होता है ई e, ई e की वैल्यू भी गिवन है ई e की ई e की वैल्यू को पुट कर दोगे क्या वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे आप यहां से क्या निकाल दोगे रजिस्ट्री वीटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से देखो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं आपको अंडरस्टैंड हो गया ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं ठीक है ये कैलकुलेट आप खुद करोगे ये तो बहुत टाइम लगेगा ये कैलकुलेट आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर राइट डाउन करना ठीक है मैं वहां रिप्लाई करूंगी क्लियर है ओके okay. अभी हम नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट एक न्यूमेरिकल ए करंट ऑफ टू एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ फोर मीटर एंड क्रॉस एक्शनल एरिया वन मिलीमीटर स्क्वेयर करंट की वैल्यू गि वन है लेंथ की वैल्यूगीवन है ठीक है और एरिया की वैल्यू गि वन है इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर कंटेन टेन इज टू पावर ट्वेंटी नाइन फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर टाइम निकालना है आपको ठीक है तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है फटाफट से राइट डाउन करते हैं आई करंट की वैल्यू टू एम्पेयर ओके लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है फोर मीटर अब एरिया की मैं बाद में लिखती हूं अब देखो ये और क्या है क्यूबिक मीटर ऑफ वायर टेन रेज टू तो पावर ट्वेंटी नाइन क्या है एन की वैल्यू गिवन है टेन रेज टू तो पावर ट्वेंटी नाइन फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय द अब आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब देखो एरिया एरिया की वैल्यू आपको गिवन है स्क्र well, देखो इसको क्या करना है आपने मैं इस तरह से यहां वर्क कर रही हूं अब देखो वन मिली को कैसे राइट ऑन कर सकते हैं टेन रेज रुपावर माइनस थ्री मीटर के बराबर ठीक है वैसे तो आपको आता होगा ही सॉल्व करना बट फिर भी मैं बता रही हूं वन मिलीमीटर mm को लिख सकते हैं टेन रेज टू पावर माइनस थ्री मीटर अब हमें तो क्या करना है वन मिलीमीटर mm का स्क्वायर हमें मीटर में चेंज करना है इसको मीटर में चेंज कर रही हूं तो इसको इसका स्क्वायर करना है तो मीन्स टेन रेज टू पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन रेज टू पावर माइनस थ्री तभी आएगा ना मीटर स्क्वायर तो मिली मीटर स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स पावर ऐड हो जाएंगी मीटर स्क्र ऐसे आप चेंज करोगे आ, कभी कभी क्या होता है ना इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे आ गया टू पावर एरिया तो ये गिवन था पर हमें तो मीटर में चाहिए तो हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से क्लियर हुआ ये ओके okay. बस तो ये वाली चीज आपके पास ये वाली दे रखी है मीन आपके पास एरिया की वैल्यू है टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वेयर अब देखो ये सब हमें टाइम निकालना है टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें पता है टाइम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं टाइम इक्वल टू वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है ना देखो जब हमने ये वाली रिलेशन निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने तब भी ये वाला कैलकुलेट किया है ठीक है अभी वहां से आप उस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लो हमें पता है ना वी इक्वल टू किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यहां से आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो टाइम इक्वल टू किसके आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी देखो मैं क्यों लिख रही हूं इसको ये क्योंकि लेंथ जो उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर लेंगे हम लेंथ के बराबर तो एल डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय टाइम निकालना ना एल डिवाइडेड बाय बी यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी ठीक है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी तो डिस्टेंस एल हो गया और वेलोसिटी कितनी है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ठीक है लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है बट क्या चीज़ पता नहीं है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें जो जो चाहिए वो सब वैल्यूज यहाँ पे हैं क्लियर है ना ओके okay, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला आई इक्वल टू ई एन ए वी डी यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास आई डिवाइडेड बाई ई एन ए क्लियर है यह सारी वैल्यूज आपको गिवन है देखो तो करंट की वैल्यू क्या है टू टू एम्पेयर और ई e की वैल्यू क्या है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन एन की वैल्यू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी नाइन और एरिया की वैल्यू ये वाली टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स या आप कैल्कुलेट कर लोगे आई थिंक ठीक है यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे ड्रिफ्ट फिलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लोगे ठीक है अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई हमें टाइम निकालना है टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइंड आउट जा करोगे ठीक यह, है खुद कैलकुलेट करके ठीक है और उसको डिवाइड कर दोगे फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां से यहां और इसकी कहा किसकी वैल्यू आ जाएगी टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ठीक है हमने आज ही कुछ न्यूमेरिकल्स किए आप ये कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में अपने अपने रिप्लाई लिख देना आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए ओके थैंक यू